अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मलिक शाहिद इकबाल फ्रॉम डीसेंट कॉर्पोरेशन एक अनदर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मैं कैबर स्मार्ट सिटी की साइट पे मौजूद हूँ और ये हमारा ओवरसीज़ ईस्ट है और उसका रिंग रोड है, उसके ऊपर हम जा रहे हैं। और आज थोड़ा सा मैं आपको अमेनिटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, हमारा जो ये रिंग रोड है इसके ऊपर बेसिकली हमारी मेट्रो भी डिज़ाइंड है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे रेजिडेंट्स होंगे उनका आप देखें कि कंपनी ने कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। ये अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, तो आज मैं आपको जिस जगह पे लेके जा रहा हूँ, बहुत से मेरे दोस्तों की क्यूरी थी कि यार हम लोगों ने जो हार्मनी पार्क के अंदर अपने विला अपार्टमेंट्स की बुकिंग करवाई थी, जिसमें हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे 1 बेड एंड 2 बेड विला अपार्टमेंट्स थे। कंपनी ने रिसेंटली भी उनकी बैलेटिंग भी कर दी है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे की थी और उनको कंपनी ने एक मैसेज दिया था कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट करा लें, और आप या जिन लोगों ने बुकिंग के टाइम पे 50% या 100% पेमेंट की थी उनको भी ऑप्शन दी गई थी कि आप विला अपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आज हम लोग फिज़िकली उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे हमारे हार्मनी विला अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं। आज बारिश का मौसम है, हम साइट पे आए हैं, अचानक बारिश शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आपको मैं दिखा सकूँ, जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सके, इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे जो रोड का नेटवर्क है, सीवरेज लाइन, पानी के कनेक्शन, ये जो हमारे रोड्स हैं उनके ऊपर सर्विसेज ये मौजूद हैं। ये राइट साइड पे, यहाँ पे जिस जगह पे भी हम देखें, यहाँ पे हमारा सीवरेज का जो काम है वो कंप्लीट हुआ हुआ है और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही है कि यहाँ पे टोटली ये बड़ा सॉलिड लैंड है, पत्थर है। इस जगह पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारा पत्थर है, इसके ऊपर कंपनी ये विला अपार्टमेंट्स बनाने जा रही है और हम कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से इन विला अपार्टमेंट्स के बिल्कुल करीब पहुँच सकेंगे। ये अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, ये जितने विला अपार्टमेंट्स हैं ये बेसिकली इनके जो फ्रंट पे वाटर टैंक बनने थे ये सारे वो ऑलमोस्ट रेडी हैं जी। और पीछे इस वक्त ये जितनी हमें जगह अभी हम आपको दिखा सकते हैं, ये सारे आपके विला अपार्टमेंट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। यहाँ पर काम काफ़ी स्पीडों से जारी है, बहुत सी जगह पर डिगिंग हुई हुई है और जो सब बेस वगैरह है वो डला हुआ है। यहाँ पर जो हमारी कुछ जगहों पे हम डीपीसी तक पहुँचे हुए हैं, कहीं पे हम उससे ऊपर तक आ चुके हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रीट जिसके अंदर हम घूम घुमा के दाखिल हो गए हैं। इसमें पूरी लाइन में हमें यहाँ पे ये जो जगह है, बेसिकली यहाँ पे भी स्टार्ट अप द वर्क है। ये एक बाउंड्री वॉल भी इधर बन चुकी है और अभी यहाँ से वापस हो के मैं आपको इस लाइन में दिखाता हूँ कि कितने हमारे विला अपार्टमेंट्स का काम। ये जैसे 2 कंजेक्टिव विला अपार्टमेंट हैं, मैप में सेंटर में स्टेयर केस होगा, ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर है, ऐसे ही हमारे ऊपर फर्स्ट फ्लोर होगा और फिर सेकंड फ्लोर होगा। और ये मैं आपको अगर अपने राइट साइड पे दिखाऊं तो राइट साइड पे भी सेम यही सिचुएशन है, ऐसे ही कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। ये ब्रिक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, हमारा जो कॉलम का काम है वो हो चुका है, लेंटर यहाँ पर डले हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। अभी क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए सारी लेबर इस वक्त अंदर बैठी हुई है। ये आगे जहाँ तक हम देखें कंपनी ये विला अपार्टमेंट्स बना रही है, और लेफ्ट साइड पे जैसा कि मैंने आपको कहा है कहीं अभी तक सिर्फ डीपीसी लेवल पे हैं, तो ये काम जो है विला अपार्टमेंट वाला बड़ी स्पीडों के साथ जारी है। आई होप सो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जून तक कंपनी की जो कमिटमेंट्स हैं कि हम यहाँ पर बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करके और रेजिडेंट्स को कहेंगे कि आप मूव इन हो, इंशाल्लाह ये जगह आपको उस तरह मिलेगी एग्जैक्ट लिवेबल और इंशाल्लाह यू विल इंजॉय दीज अमेनिटीज़। व्यूअर, इस वक्त हम लोग जो हमारे हार्मनी के विला अपार्टमेंट हैं, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, उसमें मैं यहाँ पे भी एंटर होने लगा हूँ, उसका आपको दिखाने लगा हूँ कि जो कंपनी ने हमें इसका लेआउट प्लान दिया था आए उसके अकॉर्डिंगली बना रहे हैं या क्या चीज़ है। जैसे ही हम यहाँ से एंटर होते हैं, ये अगर कैमरा मैन आए यहाँ पर और आपको दिखाएँ, ये सेंटर में हमारा एक स्टेयरकेस ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये
हमारा जार, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर आएगा और सेकंड फ्लोर आएगा। ये जो हमारा स्टेयर केस है, एक टू बेड अपार्टमेंट हमारे इसके लेफ्ट साइड पे है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे भी चूँकि काम हो रहा है और आज बारिश है अभी काफ़ी, ये हमारा सारा जो होगा दिस इज़ आर लाउंज, ठीक है। और टू बेडरूम के अंदर एक और जो कंपनी ने एक्स्ट्रा फीचर दिया था कि एक चाइल्ड बेडरूम दिया था, ठीक है, या कोई आपका और सीनियर सिटीज़न लाइक योर पेरेंट्स हों उनके लिए एक और रूम, एक ये छोटा रूम दिया है जी, और इसको बेसिकली कंपनी ने तो चाइल्ड बेडरूम का नेम दिया है। ये हमारा वॉशरूम है और जैसे ही हम एंटर होंगे हमारे लेफ्ट साइड पे बेसिकली ये जो दो बेडरूम हैं जिनको हमने टू बेड वाला अपार्टमेंट कहा, उसमें से एक बेडरूम ये है हमारा, ये इसका वार्डरोब के एरिया होगा और यहाँ से इसका बाहर एक खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिलेगा। एक बेडरूम ये है और दूसरा बेडरूम हमारा ये वाला जी, और इसकी भी ये विंडो सेम इसी तरीके से बाहर, ये हमारा खूबसूरत व्यू स्ट्रीट का व्यू उस तरफ होगा। ये हमारी फ्रंट साइड थी और वो हमारी बैक साइड थी। अब मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि स्टेयर केस के इस तरफ भी टू बेडरूम है और दूसरी तरफ भी हमारा टू बेडरूम है, उसका भी मैं आपको दिखाता जाऊँ। सेम ये हमारा लाउंज है और ये हमारा इसमें किचन कैबिनेट होगा और ये जिस तरीके से आपको बताया कि एक चाइल्ड रूम कंपनी ने डिज़ाइन किया है इसमें, और ये हमारा टू बेडरूम का वॉशरूम और एक बेडरूम हमारा ये है और एक बेडरूम हमारा ये है। सो जो आपसे कमिटमेंट की गई थी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जब कंपनी ने बुकिंग की थी उस वक्त जो हमें ब्रोशर दिया था कि हाउ टू बेड अपार्टमेंट विल बी और उनकी जो एलिवेशन है वो जो हमें दी थी, और अभी जब कंपनी ने उसको फिज़िकली एग्जीक्यूट किया है तो आया वही चीज़ें कंपनी साइट पे बना रही है। इंशाल्लाह आपको फील होगा कि कैबिनेट स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो आपसे कमिटमेंट करती है उसको पूरा करती है। ये एक पूरा हमारा बेसिकली वन बेड और टू बेड विला अपार्टमेंट का कम्प्लेक्स होगा। इसके सामने हमारे आप देखें कंप्लीट डेवलप्ड एरिया, रिंग रोड है जिसके ऊपर से हमारी मेट्रो भी जाएगी, मेट्रो के जो ट्रैक है वो भी इसके ऊपर डिसाइडेड है, और इसके सामने अगर हम देख रहे हैं तो हमारा ओवरसीज़ ईस्ट का जो सेक्टर ई है उसके अंदर भी कंपनी जो विला अपार्टमेंट आप लोगों से कमिट किए थे मैक्सिमम फिनिशिंग की स्टेज पे हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं उनके पेंट भी हो चुका है और कहीं पे भी प्लस्तर का काम हो रहा है, बट होप सो इंशाल्लाह एज़ पर कंपनी ने जो अभी हमें रिसेंटली हमारे जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक असलम साहब ने कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह जून 2024 में यहाँ हमें बहुत सी चीज़ें फिज़िकली देखने को मिलेंगी। और जो एक कंपनी का विजन था कि हमने इस सेक्टर को आबाद करना है, उस सिलसिले में जो भी सुरबाना जोरंग ने जो इसका मास्टर प्लान डिज़ाइन किया है कि ये आप लोगों ने डेवलप कैसे करना है, इसको आबादकारी की तरफ कैसे लेके जाना है, इंशाल्लाह एक हाई स्टैंडर्ड आपको लिविंग कम्युनिटी मिलने जा रही है जिसमें हर बंदे की ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है, और एक ऐसी आबादकारी होगी कि जिसमें 3.5 मरला से ले कर इंशाल्लाह 2 कनाल तक के जो रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं इसमें हर साइज़ का कंपनी खुद घर बना के भी दे रही है, और जो हमारे एंड यूज़र्स हैं उनको भी ऑफ़र कर रही है कि आप आएँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। इसमें आपको बिजली की सर्विस, मीटर आपके प्लाट के ऊपर लगा के देते हैं, पानी का कनेक्शन आपको डोर स्टेप पर प्रोवाइड किया जाता है, और कंपनी ने एक और पैकेज भी अनाउंस किया हुआ है कि आएँ यहाँ के आप लोग डिवेलपमेंट स्टार्ट करें, जो आपसे कंपनी ने डिवेलपमेंट चार्जेस लिए हैं जब आप अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे डेवलपमेंट चार्जेस का 25% आपको रिफंड होगा, और जब आप अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट 25% का जो आपको कंपनी रिफंड करेगी डेवलपमेंट चार्जेस का। सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, और जिन लोगों ने अभी तक कैबिनेट स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं की मैं उनसे कहूँगा कि ज़रूर अब प्रोजेक्ट डिवेल्प हो के फिज़िकली हमें नज़र आ गए, आप लोग ज़रूर आएँ, इसको विज़िट करें और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, और अपने रहने का जो हर बंदे का ख्वाब होता है आप आएँ, इंशाल्लाह आपका वो ख्वाब यहाँ पर आपको पाया तकमील होता हुआ नज़र आएगा।